वेलकम टू पाकिस्तानी रियल एक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं बशीर सुवेज। आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा एक इंटरेस्टिंग वीडियो होने लगी है। तो वीडियो का जो टाइटल है वो है 10 वैल्यू फॉर मनी बाइक्स इन इंडिया इन 2021। आज हम देखेंगे 2021 में जो वैल्यू फॉर मनी बाइक्स माने जाते हैं वो। जैसा कि आपको पता है 2021 तो बिल्कुल न्यू लिस्ट होने लगी है, तो देखते हैं यार भाई वो कौन से बाइक्स हैं जो वैल्यू फॉर मनी है 2021 में, जिसको मतलब क्या है कि आप पैसा वसूल बाइक, पैसा वसूल बाइक जो आप चाहेंगे कि हम ये खरीदें। हाँ, तो जल्दी से देखते हैं टॉप लिस्ट प्रोवाइडर का वीडियो। ओरिजिनल लिंक आपको उनका मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। प्लीज इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, बेस्ट किस्म की वीडियोस आपके इनके पास मिलेगी। तो काउंटर करते हैं स्टार्ट। इंडिया में वैल्यू फॉर मनी बाइक कौन सी है कंपनी वाइज? तो आज मैं आपको बताऊंगा होंडा की कौन सी, हीरो की कौन सी, टीवीएस की, सुजुकी, यामाहा, रॉयल एनफील्ड, बजाज, महिंद्रा, जावा और केटीएम की वैल्यू फॉर मनी बाइक कौन सी है। तो जानते हैं इस वीडियो में अपनी सभी बाइकों में बताऊंगा जो कि कंपनी वाइज है। टॉप लिस्ट प्रोवाइडर, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें नई नई वीडियो देखने के लिए। नंबर 10 होंडा। होंडा कंपनी की जो पैसा वसूल बाइक है वो शाइन है, जो कि दो वेरिएंट के साथ इंडिया में मिलती है। की कीमत 71,550 रुपए की, दूसरे की 76,346 रुपए की। बाइक के कुछ टाइम से प्राइस बढ़े हैं और बाइक में जो इंजन मिलता है 124 सीसी का सिंगल सिलेंडर फ्यूल इंजेक्टेड इंजन मिलता है और 10.7 पीएस की पावर जनरेट करता है और 5 स्पीड का गियरबॉक्स और ट्यूबलेस टायर मिलते हैं, है ना भाई? बिल्कुल। फिर आइए हीरो। हीरो कंपनी की पैसा वसूल बाइक हीरो स्प्लेंडर प्लस है। इससे कोई नहीं जीत सकता। 62,535 रुपए से लेके 67,845 रुपए तक जाती है। काफी पॉपुलर बाइक है अपनी कंपनी की, बल्कि सभी कंपनियों में काफी पॉपुलर है और सेल्स भी काफी बेहतरीन होती है इस बाइक की। और बाइक में जो इंजन मिलता है 97.2 सीसी का फ्यूल इंजेक्टेड इंजन मिलता है, 8 पीएस की पावर जनरेट करता है, 4 स्पीड का गियर बॉक्स और ट्यूबलेस टायर मिलते हैं, ड्रम ब्रेक पीछे की साइड। अभी देखो ना क्या लुक दे रहे हैं, ट्यूबलेस टायर भी हो गए। टीवीएस कंपनी की वैल्यू फॉर मनी बाइक टीवीएस अपाची 160 है, जो कि आरटीआर 160 है और दो वेरिएंट के साथ इंडिया में मिलती है। शोरूम कीमत 1,03,000 से लेकर 1,06,000 रुपए तक की। ये कीमत ही है और काफी पॉपुलर और लाजवाब बाइक है इंडिया में। बाइक के इंजन की बात करें 159.7 सीसी का एसआई 4 स्ट्रोक एयर कूल्ड इंजन मिलता है, जो कि 15.53 पीएस को जनरेट करता है पावर और 5 स्पीड का गियर बॉक्स मिलता है, ट्यूबलेस टायर और डिस्क ब्रेक मिलते हैं। सुजुकी कंपनी की पैसा वसूल जो बाइक है वो जिक्सर है और इस बाइक का एक अच्छा शोरूम कीमत 1,16,000 रुपए की और बाइक में 155 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन मिलता है और 13.36 पीएस को जनरेट करता है, 5 स्पीड का गियर बॉक्स मिलता है, ट्यूबलेस टायर और डिस्क ब्रेक का ऑप्शन मिलता है। यामा कंपनी की वैल्यू फॉर मनी जो बाइक है वो यामा R15 V3 है। बाइक में 4 वेरिएंट का ऑप्शन 1,52,000 से लेके 1,54,000 रुपए तक। बाइक में जो इंजन मिलता है BS6 155 सीसी का लिक्विड कूलेंट सिंगल सिलेंडर इंजन मिलता है और 18.6 पीएस पावर को जनरेट करता है, 6 स्पीड का गियर बॉक्स मिलता है, बाइक में ट्यूबलेस टायर और डिस्क ब्रेक मिलते हैं। फिर आई रॉयल एनफील्ड। इस कंपनी की वैल्यू फॉर मनी बाइक रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 है, जो कि 11 वेरिएंट के ऑप्शन में मिलती है। शोरूम कीमत 1,72,000 से लेके 1,18,000 पैसा देने के लिए खुशी खुशी पैसा दूंगा। जिस तरह ये बाइक है ना, 346 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर यूसी थंबर इंजन मिलेगा, जो कि 19.3 पीएस को जनरेट करता है, 5 स्पीड का गियर बॉक्स, ट्यूबलेस टायर और डिस्क ब्रेक भी मिलते हैं। बहुत कमाल का है सच में। रॉयल एनफील्ड लव है ब्लैक कलर में। बजाज कंपनी की पैसा वसूल जो बाइक है बजाज पल्सर 150 है, जो कि 3 वेरिएंट के साथ इंडिया में मिलती है और एक शोरूम की 4,872 से लेकर 1,04,000 रुपए तक। बाइक में जो इंजन मिलता है 149.5 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन मिलता है, जो कि 14 पीएस को जनरेट करता है और 5 स्पीड का कमाल की बाइक है। इसका लुक वाइज बहुत मुझे पसंद है बाइक। फिर आई महिंद्रा कंपनी की जो पैसा वसूल बाइक है महिंद्रा मोजो
300 है। ये चार वेरिएंट के साथ इंडिया में मिलती है और 1,99,000 से लेके 2,11,000 रुपए तक जाती है। और बाइक में जो की 25.7 करता है और 6 स्पीड का गियर बॉक्स मिलता है और ट्यूबलेस टायर और डिस्क ब्रेक भी मिलते हैं। जावा कंपनी की सस्ती बाइक है। ये तीन वेरिएंट के साथ मिलती है। एक लाख अड़सठ हजार से लेके एक लाख तिरासी हजार तक जाती है। बाइक में यूनियन मिलता है। टू एटीसी का फ्यूल इंजन लिक्विड कूलेंट सिंगल सिलेंडर इंजन मिलता है जो कि 27.51 पावर जनरेट करता है और 6 स्पीड का गियर बॉक्स और ट्यूबलेस टायर और डिस्क ब्रेक मिलते हैं बाइक में। KTM कंपनी की पैसा वसूल बाइक KTM ड्यूक 200 इंडिया में मिलती है। 1,81,000 की कीमत है जो कि एक शोरूम कीमत है। और बाइक में 199cc का इंजन मिलता है जो कि 25 PS की पावर जनरेट करता है और 6 स्पीड का गेयर बॉक्स और ट्यूबलेस टायर और डिस्क ब्रेक मिलता है। तो मैंने आपको 10 कंपनी की वो बाइक बताई जो कि पैसा वसूल बाइक है अपनी कंपनी की। आपको इनमें से किस कंपनी की सबसे बेहतर? ये वीडियो खत्म यार। जो मुझे ज्यादा ऑब्वियसली पसंद आई सबसे पहले रॉयल एनफील्ड, बजाज की और KTM और TVS की, ये बाइक्स मुझे ज्यादा अच्छी लगी। और मुझे सबसे ज्यादा एक चीज अच्छी लगी वो थी हीरो का स्प्लेंडर प्लस, जिसकी फुल लुक चेंज हो गई है और अभी लग रहा है बिल्कुल वो मॉडर्न बाइक्स की लिस्ट में आ गया। मॉडर्न बाइक और काफी प्यारा लग रहा है और बहुत पुरानी जो है ना ये कंपनी है इसमें। इसको गाइस लुक कब चेंज हुआ है ये मुझे कमेंट सेक्शन में कोई बताना। इसी साल लगता है हुआ हो सकता है यार, क्योंकि पहला लुक इसका मतलब वो सिंपल सही पहले जैसा, मतलब पुराना लुक वो काफी टाइम से आ रहा था लेकिन अभी लुक चेंज किया, मतलब अभी मॉडर्न जमाने को। और यार सच में महिंद्रा का मुझे नहीं पता था कि उन्होंने यार गाइस सीरियसली महिंद्रा की बाइक बहुत प्यारी थी लुक वाइज भी और इंजन काफी बड़ा लगा हुआ था। प्राइस थोड़ी ज्यादा 300 था लेकिन नहीं भाई 2,00,000 का बाइक है उस लिहाज से ठीक है। 300 का इंजन लगा अंदर वो हमारे लिहाज से 2,00,000 बेहतर है ना, लेकिन इंडिया के लिहाज से अगर हम पाकिस्तानी पैसों में कन्वर्ट करें तो 4,00,000 से ऊपर बनती है। हाँ 4,00,000 से ऊपर बनता है लेकिन भाई इंजन बड़ा था ना, इंजन बड़ा था मतलब 300cc का सुपर बाइक के अंदर इंजन डाला हुआ था। और मुझे तो पहले फर्स्ट टाइम मैंने अभी आईडिया ही नहीं था मुझे कि मतलब ये महिंद्रा का बाइक भी सच में, मतलब हमने इतने रिएक्शन वगैरह किए हमें मतलब काफी हमने आज तक नहीं सुना महिंद्रा का बाइक सीरियसली गाइस हमने आज तक नहीं सुना यहाँ भी कुछ अर्सा हुआ इसके बारे में इसी साल शायद लॉन्च हो सकता है। गाइस कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना। और यार मतलब सबके बाइक्स अच्छे थे, वो सुजुकी का जिक्सर भी काफी प्यारा बाइक अच्छा था और यामाहा का भी प्यारा था लेकिन थोड़ी सी प्राइस उसकी ज्यादा उसकी प्राइस ज्यादा थी लेकिन फिर वो सुपर बाइक में आ जाता है तो मतलब उस लिहाज से ठीक था। लेकिन यार सच में मतलब ये जो 10 की 10 बाइक दिखाई वैल्यू फॉर मनी लग रही थी वो बेस्ट बाइक। और वैसे भी सीबी शाइन भी काफी यूज होता है इंडिया में, बाइक यूज होता है बहुत ज्यादा यूज होता है और टीवीएस का वो अपाचे का 160 वो बहुत ही ज्यादा इंडिया में और बहुत ज्यादा लोग भी उसको बहुत प्यारी। और अगर सबसे ज्यादा बाइक की बात की जाए और जो लोंडो की सबसे बेस्ट पहली पसंद है वो KTM होगी और KTM अपाचे ये और मतलब ये दो होंगी पल्सर भी है ये दो तीन होंगी। रॉयल एनफील्ड को भाई आप हल्के में ले रहे रॉयल एनफील्ड तो यार उसको तो वो एक रॉयल है उसको हम इसलिए कह सकते हैं कि मतलब वो तो हर एक की मतलब ड्रीम बाइक होती है। अगर मुझे एक ऑप्शन दी जाए मतलब तो मैं लूंगा यार सीधी बात रॉयल एनफील्ड। ये मेरा यार मतलब एक किस्म का कहते हैं ना सबसे ज्यादा फेवरेट अब तक मेरा बाइक में ना सबसे ज्यादा ये फेवरेट बाइक है सीरियसली। पता नहीं एक बस दिल पे होता है अपनी मतलब एक बंदे की पसंद होती है और मुझे ये बाइक बहुत ज्यादा पसंद है। 350 था वो कमाल का था। 2,19,000 1,18,000 तकरीबन 2,00,000। सो गाइस आप बताएं आपका फेवरेट बाइक कौन सा है और इनमें से आप कौन सा बाइक लेने लगे यूज करते हैं या आप कोई बाइक लेना है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में और अभी आप कौन सा बाइक यूज कर रहे हैं ये कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। इधर वीडियो खत्म करते हैं अपना बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार बाय।